हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा के क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 का वन शॉट रिवीजन। जैसा कि आपको बताया, चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है, ये देखिए सुंदर से फोटो के साथ, क्लास नाइन का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, दो वेरिएबल में एक इक्वेशंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर ध्यान रखना क्लास टेंथ में भी आता है, सेम चैप्टर, लेकिन उस में जो हम आज छोड़ेंगे, क्लास नाइन्थ में जितना हम छोड़ेंगे उतना हम क्लास टेंथ में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इस वीडियो के जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, दैट यू नो वेरी वेल। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन तो यही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई जा रही है। दूसरा है कि सारे कॉन्सेप्ट को हम बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल करेंगे। अगला, सारे कॉन्सेप्ट हम बिना डेफिनेशन के रिकॉल करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि ये एक बेसिक लेक्चर पर बेस्ड वीडियो है। जितने भी ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं, ये सब लोग आज एनसीईआरटी को रिकॉल करने वाले हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की शीट और पीवाईक्यूज हम नेक्स्ट की वीडियोस में रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट है कि अगर आपको भी ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को www.kakshagain.com। चलिए अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले आपको समझना होगा लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या होता है ये समझना होगा। तो ये होता है लीनियर, क्या होता है, ये होता है लीनियर। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1। और डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है ना, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वो क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब हो गया डिग्री 1 की इक्वेशन। तो देखो, डिग्री 1 की इक्वेशन आप ये भी लिख सकते हैं, डन। डिग्री 1 की इक्वेशंस को आप ये भी लिख सकते हैं, साथ ही साथ x इक्वल टू 7/5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें देखिए डिग्री, वेरिएबल की पावर कितनी सब जगह, 1 है। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये इक्वेशन बन गई। बात आई कि नहीं समझ में। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, एक वेरिएबल जिसमें हो कोई सा भी, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाता है। तो ये सबके सब क्या है, 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इसमें एक और वेरिएबल बनाते हैं, जैसे x है तो x के साथ हमने y और लिख दिया, y है y के साथ एक और वेरिएबल z लिख दिया, a है a के साथ हमने b और लिख दिया। यानी कहने का मतलब ये, जहां पर दो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर आ जाते हैं एज ए वेरिएबल, समझ में आई, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह जाती है। जैसे हम आपके सामने लिखकर दिखाते हैं, लीनियर का मतलब क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल 1। ऐसे ही यहां पर देखिएगा, मैंने कर दिया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज यहां पर क्या है, एक्स एंड वाई ये वेरिएबल्स हैं। अंडरस्टूड, समझ में आई। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के जर्नल फॉर्मेट में होती है, हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। मुद्दे की बात ये है, जिसमें x और y ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं बच्चे वेरिएबल कहलाते हैं। लुक एट हियर, तो यहां पर वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, x एंड यहां पर कोफिशियंट कौन कौन हो गए, कोफिशियंट कौन कौन हो गए, a एंड b, a एंड b कोफिशियंट है। वेयर एज द कोफिशियंट ऑफ x इज a एंड द कोफिशियंट ऑफ y इज b एंड द लास्ट वन इज कॉन्स्टेंट टर्म, या फिर जो अकेला हो, बिना वेरिएबल के हो, अलोन हो, ठीक है, जिस बेचारे की कभी शादी ना हुई हो, अकेला, ठीक है, तो जो अकेला है वो है कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो बहुत सारे बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, ठीक है, जो कहेंगे इधर हमें तो शादी करनी ही नहीं है, है ना,
कहेंगे हमें तो शादी करनी नहीं है, शादी करनी नहीं है, ठीक है समझ भाई। तो कोई बात नहीं, सबका टाइम आएगा, जब बड़े हो जाओगे आप खुद कहोगे चलो मम्मी की हेल्प करा देते हैं शादी कर लेते हैं, है ना, कहोगे मम्मी के ऊपर ढाल के बात, अरे मम्मी की हेल्प हो जाएगी, है ना, ठीक है, घर के काम बढ़ जाएंगे, मम्मी के घर पे बैठ जाएंगी, है ना, थोड़ा आराम करेंगी, ठीक है। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑफलाइन स्टूडेंट प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन करें, वरना ऑनलाइन यूट्यूब में आपकी गंदी गंदी आवाज जाएगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ठीक है, ओके चलिए। तो आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, तो एक ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में हो। मुद्दे की बात, चैप्टर क्यों पढ़ू मैं, क्या फायदा इस चैप्टर को पढ़ने से, क्यों क्यों जबरदस्ती हमें इस लपड़े में डाल रहे हैं एक्स प्लस बी प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या इसका यूज है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसको पढ़े क्यों चैप्टर को यार, जबरदस्ती हमको इसके लपड़े में डाल रहे हो, पढ़ना क्या है। अब मैं बताता हूं क्यों पढ़ रहे हैं, सुनो। अब एक बच्चा यहाँ का कोचिंग का ऑफलाइन बच्चा जो दुकान पे बैठता है, ये बैठती है लेट से आर, आर लड़की है वो दुकान पे बैठती है, उसकी दुकान पर एक लेने आई बैली, बैली की स्पेलिंग यही होती है, और एक लेने आया क्या शूज, जूता, जूता और बैली, दो भाई बहन आए, ठीक है, तो एक ने बैली खरीदी एक ने जूते खरीदे, तो क्या हुआ बताओ, तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जवाब पता कैसे दिया, इनके पापा ने कहा बेटा आपके टोटल 1300 रुपये हो गए, इन्होंने क्या किया बैली की कॉस्ट और शूज की कॉस्ट मिलाकर बता दी 1300 रुपये, है ना, वो 1300 दिए और चले गए, है ना, समझ में आई कि नहीं आई। अब घर गए तो उनकी मम्मी ने देखा अरे जूते तो बड़े अच्छे हैं, अरे वाह वाह वैली बहुत अच्छी, बहुत बड़े बड़े बड़े, रख लो रख लो, अच्छी लग रही है, लेकिन पापा तो पापा होते हैं, पापा को एक एक बात का हिसाब होना चाहिए, पापा ने जूते हाँ बेटा बहुत बड़े लग रहे, कितने के दिए भाई साहब ने, कह रहे वो उन्होंने 1300 रुपये लिए और आप 1300 दिया है, हाँ दिया है, तो बैली कितने की जूते कितने के, ये तो पूछ के आते, क्या पता क्रॉस कनेक्ट क्रॉस कैलकुलेशन कर लेते, क्या पता उन्होंने गलत जोड़ लिया हो, है ना, आपको पता होना चाहिए गलती इंसान से होती है, ठीक है। तो वो वापिस आए, उन्होंने कहा नेक्स्ट डे अंकल कल आपको याद है हम कल आपसे सामान ले गए थे, हाँ हाँ बेटा ले गए थे याद है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बैली और शूज ले गए थे आपने, टोटल 1300 के बताए थे, अब आप हमें ये बताइए कि बैली कितने की और शूज कितने के, अलग अलग रेट बताइए, अब आप बताइए इसके अलग अलग रेट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना भाई, एक बताओ 650 650 650 भी हो सकते हैं, तो भी 1300 है, अब ये 500 का है और ये बताओ कितने का 800 का, तो भी हो सकता है, ऐसे करके इसके मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं, निकल सकते हैं निकल सकते, तो घर पे इसलिए तो वो जज नहीं कर पाए कि बैली कितने की और शूज कितने का, भाई क्या पता बैली फ्री की हो शूज के 1300 हो, भाई जूते के साथ बैली फ्री हो, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी सोच सकता है कंज्यूमर है, तो ऐसे कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट। तो पहली बात तो ये आती है कि अगर एक सिंगल इक्वेशन की बात करें, सिंगल एक कंडीशन की बात करें, सिंगल कंडीशन में बहुत सारी एग्जिस्टेंसी होती है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर सिंगल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट, पहली बात तो यहां निकल कर आई। लेकिन सर अभी भी हमारा वो जवाब नहीं आया, हमारा आंसर तो निकला ही नहीं, है ना, तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कहा कि बेटा बैली आपकी ना महंगी है, ये पार्टी वियर है, ठीक है, और आपको पता ही है, ठीक है, हमेशा ये लड़कियों का सामान ही महंगा मिलता है, ठीक है, सारे त्योहारों पर हमें लूटती हैं, ठीक है समझ में, और हम लूट जाते हैं, ठीक है, ईदी पे लूटती हैं, दीपावली पे लूटती हैं, रक्षाबंधन पे तो पूछो ही मत, ठीक है, भैया दूज पे तो पूछो ही मत, हम बेचारों का क्या मरण, हम तो मर ही जाते हैं, तो बैली कितने की थी, 900 की पार्टी वियर थी, तो अब आप बताए बेटा खुद कैलकुलेट कर लो कि शूज कितने के, तो आपने खुद कैलकुलेट किया कि 400 के शूज थे, तो टोटल 1300 रुपये हमने दे दी,
मुद्दे की बात क्या है, अभी भी उस बात का सोल्यूशन निकला। मैंने आपको एक बात बोली थी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, वी आर गोइंग टू मिस समथिंग टूडे दैट यू कैन स्टडी टुमारो इन क्लास 10th। तो आज हम जो छोड़ेंगे वो अगले साल पढ़ेंगे, तो हम अगले साल के लिए कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन बता देता हूं मैं क्या छोड़ेंगे हम। ठीक है, फिलहाल हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू लेवल्स की सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगी, हम उसको लिखना सीखेंगे, उसको कंपैरिजन करना सीखेंगे, उसकी सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो हमारा जितना डिस्कशन होना है क्लास 9th में सब हो गया है, सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइट है। हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरी आपने तुरंत निकाल ली। बैली 900 की तो आपने तुरंत बता दिया, शूज कितने के 400 के, माइनस करके निकाल लिया, है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन मुद्दा तो अभी भी खत्म नहीं हुआ कि चैप्टर पढ़ना क्यों है। चैप्टर इसलिए पढ़ना है कि अब वो दोबारा गए दुकान पे, दोबारा गए बच्चे उनके घर पे, जो एक फंक्शन था उसमें रिलेटिव्स को वो बैली और शूज पसंद आ गए। बहुत ध्यान से सुनना बात, मैं आपको शुरू हर बार ये वाली बात बोलता हूं कि यहां से सीख के जाइए, जो आपने स्कूल में नहीं सीखा, जो आपने अपने एल्डर्स से नहीं सीखा, जो अपने यंगर्स से नहीं सीखा, जो सोसाइटी से नहीं सीखा, वह यहां से सीख के जाइए। अब वो घर गए, घर पे कहा यार बड़ी अच्छी बैली लग रही, पार्टी भी, यार एक काम करते हैं, अरे एक काम करते हैं, सारी बहनें एक सी बैली पहनती हैं, सारे भाई एक से जूते पहनते हैं। आपको बताइए ट्रेंड चलता है ना। ठीक है जी, चल दिए भैया वो दुकान पे, हाँ सारी बहनें चट्टा लगा के चल दी, सारे भैया उन चट्टा को पकड़ते हुए लेके चल दिए। ठीक है, समझ में आई। तो क्या हुआ, अब उनकी दुकान पे जाके बोला अंकल जितनी बैली है सब निकाल दो, इनको बैली चाहिए, जूते चाहिए। अब सुनो, ध्यान से सुनो, मुद्दे की बात क्या है, एक बैली की कॉस्ट और एक शूज की कॉस्ट मिलाकर 1300 थी। भूल जाइए कि बैली 900 की है, क्यों। अब जो उसमें से एक भाई है वो समझदार है, उसने कहा अंकल बहुत सारे पीस ले रहे हैं, अब 900 की नहीं लगेगी, अब अपन को क्या चाहिए, डिस्काउंट, वरना हम जा रहे हैं दूसरी दुकान पे। तो उन्होंने कहा कि चलो यार छोटे बच्चे हो तो डिस्काउंट तो मैं जरूर दूंगा, तो पुराने रेट को भूल जाओ। हर कोई करता है यार, फिक्स रेट हो फिर भी थोड़ा सा कॉपरेट कर लेते हैं, इसलिए नहीं कि वो मार्जिन के लिए कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। पांच बच्चे किसी के पढ़ रहे हैं, तीन बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है, तो एक शूज और एक बैली 1300 की दी थी पहले। ठीक है, अब पांच तो बैली ली और कितने, चार शूज लिए, कितने के, बात आई कि नहीं आई समझ में, क्लियर है, अंडरस्टूड है, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में। तो कुल मिलाकर अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, जो चीज 10th में पढ़नी है वो 9th में एक बार सिर्फ टच कर जाओ, जिससे मजा आ जाए पढ़ने में। जब आपके पास दो कंडीशन है कि दोनों बैली और शूज की कॉस्ट 1300 है, उन्होंने हमें नहीं बताई कि बैली कितने की और शूज कितने का, अब पांच बैली और चार शूज की कॉस्ट उन्होंने लेट से पता नहीं कितने 10,000 रुपीज ले ली, मैंने ऐसा एट रैंडम लिख दिया है ना। अब मुझे बताइए, बैली 900 की भले पहले थी, लेकिन अब बैली की कॉस्ट और शूज की कॉस्ट इन दो इक्वेशन पर डिपेंडेबल हो गई, डिपेंडेबल हो गई कि नहीं हो गई, क्लियर है। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, समझ में आई कि नहीं, ये 900 की है, ये 400 की है, भूल जाइए ये वाली बात, ये बात वहीं खत्म हो गई। एक नई कंडीशन आपके सामने है कि एक बैली और एक शूज की कॉस्ट 1300 थी, अब पांच बैली चार शूज के लिए उन्होंने 10,000 रुपए ली। तो हमें इन दोनों को सॉल्व करके ये बताना है कि बैली कितने की और शूज कितने का, बात आई कि नहीं समझ में। जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की दो इक्वेशन हो तो हम उनको आपस में सॉल्व करके जो भी प्रोडक्ट लिया है, जो कॉस्ट निकली है, हम उसको निकाल लेते हैं। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन, कैसे सीखेंगे, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अभी इस सेशन में आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो आज के सेशन में आपको कंक्लूड कर देता हूं। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी कंज्यूमर ने आपको रेट नहीं बताया है, ठीक है, किसी भी कंज्यूमर ने आपको रेट नहीं बताया है, एक बैली एक शूज की कॉस्ट 1300 है, फिर पांच बैली और चार शूज की कॉस्ट के लिए उन्होंने 10,000 रुपए पे किए, बात आ रही समझ में। तो फिर क्या होगा, इन दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके बिना दुकानदार से पूछे आप ये पता लगा सकते हैं कि बैली कितने की और शूज कितने का, बात आई कि नहीं आई समझ में। तो कंक्लूजन समझ में आ गया, वी रिक्वायर्ड
नो वन टू आस्क कि किससे कितने रुपए की है पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेबल होता है, एक की वैल्यू जो आएगी उसी वैल्यू पर डिपेंड होगा दूसरे की वैल्यू। रिलेशन है एक्स और वाई में। अब ऐसी उन रिलेशन की दो इक्वेशन है तो उन दोनों को हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर एक्स और वाई वेरिएबल जो लिए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। बात आई कि नहीं आई समझ में आपको? आ गई समझ में? आ गई? तो कुल मिलाकर ये था आपके सामने लीनियर इक्वेशन चैप्टर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स प्रोसीड टू आवर एक्सरसाइज जिसमें हम जनरल इक्वेशन से इक्वेशन को कंपैरिजन करने वाले हैं। कुछ बच्चों के शायद बात समझ में आ गई होगी, कुछ बच्चों के अगले साल तक आएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आधी चीज क्यों छोड़ी, बिकॉज यू योर माइंड इज नॉट अप टू अपग्रेड उस चीज को समझने के लिए। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक पोर्शन अब नाइन्थ में डाल दिया है, बाकी का रिमेनिंग बड़ा पोर्शन वो आप क्लास टेंथ में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा पोर्शन अब डाल दिया है, क्लास टेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक वास्ट पोर्शन आप कल पढ़ेंगे कि दो लोगों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू लीव टुडे दैट आपके जीवन में जरूर लौट के आएगा और आप उसको बाद में पढ़ेंगे। और यही एक प्रकृति का नियम है कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं आज तो याद रखिएगा कल को आपके साथ बुरा जरूर होगा। आप बुरा करेंगे बुरा लौट कर आएगा, अच्छा करेंगे और हमेशा बढ़कर लौट के आता है। बुरा करेंगे तो और बुरा लौट कर आएगा, अच्छा करेंगे तो और अच्छा लौट कर आपके जीवन में आएगा। तो इसलिए नाइन्थ में जो आप छोड़ रहे हो टेंथ में जरूर आएगा। जो नाइन्थ में नहीं पढ़ेगा वो टेंथ में पछताएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए नाइन्थ में अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे टेंथ में आपको अच्छे से समझ में आए। तो फटाफट देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, आप कंपैरिजन कर लो। पहला वाला तो ये 4x प्लस 5y माइनस 6.37 इक्वल्स टू जीरो। याद रख ले इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो। बस इसकी कंपैरिजन कर दो। वी नो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ऑन कंपेयरिंग द जनरल इक्वेशन। अब देखो कंपैरिजन कैसे होती है, ये भी मजेदार है। एक्स और एक्स सेम है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई। अब देखो बी भी सेम, वाई वाई सेम है, बी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 5। अब सी की वैल्यू ये रही पूरी वो भी माइनस। किस किस को समझ में नहीं आई, कंपैरिजन करनी आ गई। बहुत इजी है बहुत। अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं, बताओ इसमें ए की वैल्यू क्या होगी 3/2, बी की वैल्यू क्या होगी -5/, क्योंकि 5/ इधर जाएगा। क्या लिखेंगे इसको 3/2x फिर y वाला -5/, उसके बाद -40। डन। बात आई कि नहीं आई समझ में? अरे क्लियर है कि नहीं है? चलो तो a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -40। अब सब कुछ तो ठीक है, अब आप इसकी बात बताइए 3x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 5। पहले y को इधर ले आओ, यही है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम छोटे बच्चे हैं, अभी हम कैसे बच्चे हैं, बड़े हो गए तो डायरेक्टली समझ लो जो बड़े हो गए। x और x a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई y, y सेम, b की वैल्यू कितनी आ गई। अब c यहां कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, अब हम क्या काम करेंगे, अभी हम छोटे बच्चे हैं तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्लस जीरो लगाएंगे। हमें पता है कोई फायदा नहीं है लेकिन कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। समझ में आई कि नहीं आई सभी बच्चों को? तो आपको ए बी सी की वैल्यू कंपैरिजन करनी आ गई, बहुत बढ़िया, पहली एक्सरसाइज समाप्त। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो ये है
कह रहा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में इक्वेशन लिख के दिखाइए। देखो पहली इक्वेशन क्या है, 2x = -। अब जो गायब है उसको लाना है, पर ऐसा लाना कि वो ना हो दुनिया में, उसकी खुद की वैल्यू ना हो लेकिन लाना है। देखो कैसे लाएंगे, 2x + +5 = 0। देखो माइनस फाइव इधर आके प्लस का 5 हो गया, तो देखिए यहां पर y लिख दिया, लेकिन y हमने लिख दिया, y की तो वैल्यू है ही नहीं, y था ही नहीं। अब हमें दिखाना है कि y है, बट y प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमने इसकी 0 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो पूछो क्यों, 0 की y से करेंगे 0 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये किस में चेंज हो गया, अब इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। सर एक बात बताना, ये आपने टू वेरिएबल में चेंज किया है, इस हिसाब से तो सारे इक्वेशंस को हम कितने भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। यस पूछो क्यों, इसे हम 3 वेरिएबल में बता सकते हैं, इसे हम 50 करोड़ 50 मिलियन वेरिएबल में बता सकते हैं। लिखे जाओ वेरिएबल, बताओ एक्स के बाद वाई, वाई के बाद फिर जेड लगा दो 0 इंटू करके। तो इसलिए कोई भी इक्वेशन को हम कितने भी वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। बात आई कि नहीं आई समझ में, एक वेरिएबल है। अब बच्चा कह रहा है अल्फाबेट खत्म हो गया, तो अल्फाबेट की निशानी थोड़ा खत्म हो गई, बताओ ए की जगह हम ए डैश लिख लेंगे, फिर ए वन लिख लेंगे, उसको ए टू लिख लेंगे, समझ आएगी नहीं, पहचानी तो करनी है। ओके तो कुल मिलाकर कोई भी इक्वेशन को कितने भी वेरिएबल में चेंज किया जा सकता है। आगे सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया है, देखो ये रहा 4y = 3, तो 4y - 13 = 0। इसमें क्या मिसिंग है, x। अब x का अस्तित्व खत्म करना है, 0 से करो। बात आई कि नहीं आई समझ थोड़ी थोड़ी, तो जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ उनको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, और जो घर जाके पढ़े ही नहीं सिर्फ मौज मारी ठीक है, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसी आप बाकी के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, वो है क्या, सॉल्यूशन और रूट। अगर आप ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताई थी कि हम रूट जो है उनको, रूट को हम पता कर सकते हैं कितने रूट है या कितने सॉल्यूशन है। थोड़ी देर पहले बताई थी हमने कि हमारे पास एक इक्वेशन हो बैली की और शूज में, बैली का रेट मान लो 500 पता है, शूज का रेट भी निकल गया, बैली का मान लो 400 होता तो शूज का भी निकल जाता, तो वो बच्चे दुकान पर दोबारा पूछने क्यों आए, क्योंकि एक इक्वेशन से ये पता नहीं लगेगा कि बैली कितने का और शूज कितने का है। बात आई कि नहीं आई समझ में, तो इसलिए उन्होंने दुकान पर जाकर पूछा जिसमें उन्हें बैली का रेट 900 बताया गया, तो उन्होंने दोबारा बता दिया तुरंत 400 की क्या है, शूज है। तो कहने का मतलब ये, अगर एक वैल्यू आपको पता हो तो दूसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और एक एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। मिलियंस ऑफ वैल्यूज आर देयर इन द वर्ल्ड, तो मिलियंस ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एग्जिस्ट। इसलिए इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। जैसे यह दिया गया ax + by + c = 0, मान लो किसी बच्चे ने कहा सर x की वैल्यू 0 है, तो आप इसमें पुट करोगे a (0) + by + c = 0, तो by की वैल्यू कितनी आ गई, -c, y की वैल्यू कितनी है, -c/b। आ गई कि नहीं आ गई। ऐसी आप ये दिया गया 2x - 5y = 8, तो आप इसमें x की क्या वैल्यू सोचना चाह रहे हैं, क्या रखेंगे आप, x की क्या वैल्यू रखेंगे आप इसमें, 2 रखना चाह रहे हैं आप, क्या रखोगे, वो 4 रखेंगे, ऐसी वो कुछ और रखेंगे, वो कुछ और रखेंगे, दुनिया का हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग रखेगा, कोई सेम भी रख सकता है, तो इसलिए इसमें कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसकी, इनफाइनाइट वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करती है। बात आई कि नहीं आई समझ में, बोलो अंडरस्टूड। तो आप देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपका
फाइंड फोर डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो बस ये दी गई है x प्लस टू वाई इक्वल्स टू लेट पुटिंग x इक्वल्स टू जीरो इन दी तो रखो जहां x है वहां जीरो बाकी सब ऐसे लिख दूं. कोई डाउट? अब ये कितना बचा टू वाई इक्वल्स टू सिक्स. टू कायम है इधर तो कहां पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई. तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया जीरो कॉमा. मैंने आपको बताया था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली वाली वैल्यू एक्स की दूसरी वाली वैल्यू. तो इसलिए पहले की जगह जीरो रखा बाई की जो वैल्यू है थ्री रख दिया. पहला सॉल्यूशन आ गया. ऐसे बताओ दूसरी क्या रखना चाह रहे हो आप. एक बच्चा कह रहा था एक्स की को रखो मुझे मुझे नफरत है वाई से वाई की रखो. तो वाई की रख लेते हैं. लेट वाई इक्वल्स टू वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दी हम. करो देखो एक्स एसी प्लस टू एसी वाई की जगह जीरो इक्वल्स टू सिक्स. किसको समझ में नहीं आया जहां वाई है वहां जीरो लिखा बाकी सब ऐसी एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू सिक्स. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई. तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया सिक्स कोमा पहले एक्स की वैल्यू फिर बाद में वाई की वैल्यू. अब आप बताइए किसकी वैल्यू रखना चाहते हैं थर्ड सॉल्यूशन के लिए. किसकी वैल्यू रखोगे एक्स की रखोगे कि वाई की रखोगे. क्या रखोगे. फोर रखेंगे. तो लेट एक्स इक्वल्स टू फोर इसमें पूरी लैंग्वेज लिखो लेट पुटिंग ठीक है एक्स इक्वल्स टू फोर इन दी इक्वेशन रखो. चलो रखो देखो ये रही इक्वेशन जहां x है उसकी जगह बाकी ऐसी. अब ये 4 प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा. जिसको समझ में नहीं आया सारा ऐसी लिख लिया. ये प्लस का 4 इधर जाके क्या हो गया 2y की वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाई में जीरो आ रही थी. जीरो थर्ड सॉल्यूशन इस कितना आ गया 4 कॉमा. आप कौन सी पुट करें बताओ. 96 लेट एक्स इक्वल्स टू पूरी बात लिख लेट पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 96 इन दी इक्वेशन. माई सन माई डॉटर एक्स की जगह क्या रख दिया एक्स ये क्या रख दिया बाकी ऐसी लिखो प्लस टू ऐसी वाई ऐसी. अब ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो टू वाई इक्वल टू सिक्स माइनस. अब ये बताओ कितना आ गया वाई की वैल्यू और उससे एक्स की वैल्यू वाई आ गया माइनस 45. फोर्थ सॉल्यूशन क्या आ गया कितना 96 कॉमा क्या डन. कोई डाउट. अब ऐसे आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. टू निकाल लो फोर निकाल लो. मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है बच्चों क्या ये सॉल्यूशन सेम आ सकते हैं.
जरूरी नहीं है कि सेम आए, किसी ने कुछ पुट करी होगी वैल्यू, किसी ने कुछ की होगी, तो इनके आंसर मैच नहीं होते हैं। जैसी वैल्यू पुट करोगे वैसा मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप खुद कर लेंगे, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बताइए कौन सा इस इक्वेशन में सॉल्यूशन है। अरे पुट करके देख लो, अगर आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी इधर जीरो है, टेन है, इधर भी टेन आ गया तो सॉल्यूशन है भाई। इधर तो दोनों तरफ पढ़ले बराबर है, तभी तो दुकानदार देता है लो चीनी ले जाओ। बताओ भाई, दोनों पढ़ले वारी है, आम लेने गए दुकान से, ठेले से लिया तो वो बाट रखता है 5 किलो, अभी 5 किलो तोलता है, जम यू करके बैलेंस हो जाता है बिल्कुल, तो आप ले लेते हैं। लेकिन हम तो बहुत समझदार है, हम चाहते हैं कांटा हमेशा झुका हुआ हो, आम जिसमें रखे हैं उसमें झुके हुए हो, एक्स्ट्रा मिले। इलेक्ट्रॉनिक कांटा है तो पूरा 1000 ना मिले, कितना मिले चाहे 1002 ग्राम मिले, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो ऐसी क्या करेंगे यहाँ पर, लेट पुटिंग एक्स इक्वल टू कितना पुट करें एंड वाई इक्वल टू कितना पुट करें इन दी, तो पुट कर दो यहां 2 × 0 3 × तो 0 − 6 = 10, 0 में से 6 गया, −6 = 10, क्या −6 10 के इक्वल होता है? तो क्या हो गया, नॉट इक्वल्स टू, तो क्या ये सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? नो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलो भैया दूसरा ट्राई कर लेता हूं। नाउ सेकंड पार्ट में क्या रख लूं, पुटिंग एक्स की वैल्यू कितनी पुट करूं, वाई की वैल्यू कितनी पुट करूं? रखो भैया, ये इक्वेशन दी थी, रखो शांत। एक्स की क्या रखूं, वाई की जगह कितना रखूं? टू टू जा माइनस माइनस, 3 × 2 जा 4 और 6 इतना हो गया। अरे वाह, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो इट इज अ, कितनों को समझ में आ गया जोर से बोलो। अरे आ गया समझ में, कितना मजेदार क्वेश्चन है देख लो। अब की बार वेरिएबल की वैल्यू दे रहा है वो, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत इजी है। कैसे करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा जी, जहां पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक बार बताओ, अगर वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उसका मतलब है हम उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वी कैन ईजली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन और नॉट। इफ यू आर एबल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द इक्वेशन, सो प्लीज सब्स्टिट्यूट इट एंड फाइंड आउट द आंसर। ओके, हियर 3x + 4y = एज वी नो x = 2 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, देन पुट कर दो इसमें 3 × 2 + 4 × 1 = और आपको साफ दिख रहा है जहां x है वहां x की वैल्यू पुट कर दी, जहां y है y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद सिर्फ k ही बचा है और वैल्यू बची है, तो k की वैल्यू निकल जानी है। 3 × 2 = 4 तो k की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज द, k की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब द गिवन इक्वेशंस में अगर सॉल्यूशन दिए तो उन सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट, क्या कर देते हैं, थैंक यू। लास्ट पेज कहाँ का है मुझे खुद नहीं पता, ओ बताइए,
मैंने कहा अगर एक लीनियर इक्वेशन हो तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। वाह वाह, अभी बताया है कि बैली की कोस्ट चाहे वो 500 बताएंगे तो भी शूज की आ जाएगी, अगर बैली की कोस्ट वो 700 बताएंगे तो भी शूज की कोस्ट आ जाएगी। इतनी सी बात समझ में नहीं आई, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो कुल मिलाकर बच्चों एक इक्वेशन है तो उसके कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी रख के देखे हमने 4 सॉल्यूशन, 2 भी निकाल सकते हैं, 10,000 भी निकाल सकते हैं। बोली उसके बाद देखे नहीं, मैंने तो एक बोला है। ठीक है, चलिए बच्चों, आई होप आपको आज का सेशन समझ आया हो और सारे टाइप के एनसीईआरटी क्वेश्चन वी हैव डिस्कस। इससे ज्यादा मेहनत हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मेहनत करने से हम अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, हम परफेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केन। जय हिंद। से पहले भैया बीटीएस तो दे दो, बीटीएस तो दे दो, बीटीएस बिहाइंड द सीन। कुछ डाउट है? पेज 12, स्लाइड नंबर 12। हाँ बेटा, किसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने एक्स की जगह 0 पुट किया तो यहां पर 0 पुट करने से वाई की वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब ये है हम किसी एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को सोच लेते हैं यू करके। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं सॉल्यूशन कैसे सोचना है, ऐसे ऐसे चाबी भर लेना। ठीक है, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू सोचे या y की कोई भी वैल्यू सोचे, उसको पुट करें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जानी है। यही तो मैंने बोला था। अब x की वैल्यू 0 सोच रहे हैं तो y की वैल्यू 0 के अकॉर्डिंग आ जाएगी। x की वैल्यू 10 सोच रहे हैं तो y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू 10 आ जाएगी। जैसे मैं आपको बैली वाली बात बता रहा था, भाई बैली की वैल्यू उन्होंने 900 बताई तो आपने तुरंत शूज की वैल्यू 400 बता दी। अब वैली की वैल्यू 500 बताते तो शूज की कॉस्ट कितनी आ जाती, 900, 800 आ जाती। हाँ समझ में आई कि नहीं? और वो कहते कि बैली फ्री है तो शूज में 1300 चले गए हमारे। बात आई कि नहीं आई समझ में? तो कुल मिलाकर हम लीनियर इक्वेशंस के अंदर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरे की वैल्यू निकल आती है। वही हमने यहां पर आपको करके दिखाया, 0 पुट किया था तो 0 पुट करने से वाई की वैल्यू -c/b आ गई, करके दिखाया था बस जनरल इक्वेशन के साथ। जैसा जनरल इक्वेशन के साथ किया मैंने बोला, ऐसे ही गिवन इक्वेशन के साथ आप सलूख करेंगे। और बताओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।